Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and the notification. Rajendra ji, दो बातें हैं यहाँ पर. एक तो उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है जिनके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं. लेटर वॉर तक शुरू कर दिया गया, काम इससे प्रभावित हुआ. एक मैसेज जा रहा है कि रिफ्ट है और वो रिफ्ट खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. और दूसरा सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के फैसलों को लेने से पहले या फिर व्यवस्थाओं को फिर से एक बार लागू करने का ऐलान करने से पहले वो सोचे कि ज़मीनी तौर पर क्या ये लागू हो सकता है, क्या ये व्यवहारिक है. कितनी जिम्मेदार सरकार और कितने जिम्मेदार अधिकारी. जी, दो बात मैं स्पष्ट कर दूं. पहले मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है. पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 में ये लिखा हुआ है कि थाना अध्यक्षों या कोतवाली इंचार्ज की जो भी तैनाती होगी वो एसपी एसएसपी डीएम की रजामंदी से करेंगे. इस सरकार में ये हुआ कि ये व्यवस्था गड़बड़ाई क्यों, क्योंकि 9 मई को प्रमुख सचिव गृह ने एक आदेश जारी कि साहब रजामंदी नहीं, लिखित सहमत होगी, डीएम की लिखित सहमत होगी तब थाना अध्यक्षों की और तैनाती की जाएगी या उनका तबादला किया जाएगा. इस चीज का विरोध आईपीएस ने किया कि साहब ये आईएएस हावी हो रहा है, आईएएस तंत्र हावी हो रहा है आईपीएस तंत्र पर, लिखित अनुमति की कहीं कोई जरूरत नहीं है. तब सरकार ने कहा कि साहब 2001 में और 2009 में ऐसा ही एक आदेश जारी हुआ था. जब विवाद बढ़ा तो ये 24 मई को सरकार ने लिखित वाली जो आदेश दिया था उसको हटा लिया और ये कहा कि साहब आपसी सहमत से होनी चाहिए. अब आते हैं गाजियाबाद के विवाद पर जो अभी ताज़ा हुआ है. गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी दोनों ही बहुत काबिल अधिकारी हैं आईएएस के और आईपीएस के. रिफ्ट ये है कि साहब वो उन्होंने कहा कि हमारा आपस में तालमेल ठीक नहीं. तो तालमेल ये ठीक नहीं है तो ये डीएम की जिम्मेदारी होती है कि वो एसएसपी से अपना तालमेल ठीक करे. अगर एसएसपी कोई अनुचित हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल आदेश नहीं मान रहे हैं, आपकी बैठक में नहीं आ रहे हैं, तब तो आप इस तरह की चिट्ठी लिखिए या आगे तक बात ले जाइए. पर ये वाला मामला आगे तक आ गया. अब शासन को उन्होंने भी लिख दिया चिट्ठी कि डीएम ने कि साहब हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते, और एसएसपी ने भी लिख दिया कि साहब हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते. ये आईएएस वर्सेस आईपीएस का ईगो है और कोई ऐसी बात नहीं है. सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि आपसी रजामंदी के तहत जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट में है थाना अध्यक्षों की तैनाती और तबादले होंगे. सवाल फिर ये उठता है